हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर लीब्रास व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस फॉर अप्रैल फर्स्ट हाफ। एंड ये बहुत ही एक जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस, व्हाट शुड यू नो। ओके लेट्स सी। स्टक इन मड नंबर 24, कम्युनिकेशन इज़ द की, न्यू मून इन जेमिनाई। Libras, I think the main energy is telling me there is a union या एक connection. Now अब मैं connection बताऊँगी तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ romantic ही होता है। connection मतलब किसी भी soul के साथ, इंसान के साथ, मान लीजिए आपका रिश्ता, उसे connection कहा जा सकता है। connection friendship भी होता है, connection love भी होता है, connection कलीग के साथ आपका कनेक्शन, रिलेशन वो भी हो सकता है कि जिस भी इंसान के साथ आपका किसी भी टाइप का रिश्ता, उसे हम लोग कनेक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक वैसे कनेक्शन की बात किया जा रहा है दैट आपके साथ किसी इंसान का एक कनेक्शन फॉर्म होगा इस अप्रैल में। एंड दिस इज़ समबडी जो आपके डेस्टिनी का तो पार्ट है ही, बट ये वो इंसान भी है जिसका आपके लाइफ में इस टाइम पे रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर ये समझना ज़रूरी है कि ये पर्सन आके आपको कहीं से बचाएंगे नहीं, ये पर्सन आके आपको आपके लाइफ में मैजिक या मिराकल्स क्रिएट नहीं करेंगे। पर इस पर्सन का आना आपके लाइफ को इस प्रकार से इन्फ्लुएंस करेगा कि आप सडनली आपके सामने का रास्ता बिल्कुल क्लियरली देख पाएंगे। आप सडनली एक भरोसा या आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी दैट अगर ये इंसान कर सकता है या कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, या ये इंसान मुझे हमेशा राइट एडवाइस देते हैं, ये मुझे हमेशा एक ऐसी बात बताते हैं जाने अनजाने में जो मेरे सारे प्रॉब्लम्स का हल है, तो ये वैसे वाले इंसान हैं। आई फील लाइक दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम जब आपको किसी प्रकार से टेस्ट किया जा रहा है आपके पेशेंस को या आपके नॉलेज या विजडम को। सो हो सकता है कि आप लोग सच में कुछ एग्ज़ाम वगैरह देने वाले हैं जिसका प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, इंटरव्यूज़ कुछ भी, या फिर दिस इज़ समथिंग जो यूनिवर्स काइंड ऑफ आपसे टेस्ट ले रहे हैं कि इस सिचुएशन में क्या आप कैसे रिएक्ट करते हो। सो आपके, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लाइफ में कोई बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, बट एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप थोड़े से स्टक हो, एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हो दूसरों से, या आपका आपके लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ पड़ा है एंड यूनिवर्स इज़ जस्ट वेटिंग कि आप उसका रिएक्शन कैसे देते हो, क्या आप उसमें विजडम यूज़ करते हो, लेसन्स यूज़ करते हो, या फिर आप सेम गलती दोबारा दोहराते हो। अगर आपने सेम गलती दोबारा किया तो उसका नतीजा भी सेम होगा जो आपको भुगतना दोबारा पड़ेगा। सो कोई भी टाइप का पैटर्न, किसी भी टाइप का पास्ट से रिलेटेड चीज़ें, लोग, रिश्ते से दूर रहिए, या फिर दूर अगर नहीं रहना है तो ऐसे हैंडल कीजिए जहाँ पर आपको जो लेसन मिला है इन लोगों से पास्ट में वो आप दिमाग में रख के चल सके। फिर से सेम गलती करेंगे या सेम एक्शन लेंगे तो सेम कॉन्सिक्वेंसेस का ही सामना करना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ टेस्ट, दिस इज़ यूनिवर्स टेलिंग यू दैट प्रूव करो दैट आप रेडी हो नेक्स्ट चैप्टर के लिए, प्रूव करो आप रेडी हो नेक्स्ट बैटल को जीतने के लिए। आपने लेसन सीख लिया है अपना, प्रूव कीजिए दैट आप इस पैटर्न से मुक्त होने के लिए, आप डिज़र्व करते हैं इस पैटर्न से मुक्त होना, इस कार्मा को एंड करना या इस प्रॉब्लम का हल निकालना, व्हाटएवर दैट इज। वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्स, वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। लिसन, आई फील लाइक लिब्रास, यहाँ पे आप में से बहुत लोग किसी चीज़ के इंतज़ार में हों।
एंड फॉर अ लॉट दिस कुड बी अ लव सिचुएशन, जो मुझे ज़्यादा लग रहा है, किसी के कम्युनिकेशन, किसी के वापस आने की, किसी का कुछ भी क्लैरिफिकेशन, वैलिडेशन, इट कुड बी एनीथिंग एक्चुअली, बट यहाँ पे एक ज़बरदस्त इंतज़ार किया जा रहा है किसी का, या तो ये डिसीशन लिया जा रहा है कि मैं करूँ मैं नहीं करूँ, मैं मैसेज कर दूँ भेज दूँ, या देन मे बी आप फिर से सोच रहे हो कि नहीं, अगर मुझे बाद में रिग्रेट हुआ, या अगर मुझे रिजेक्शन मिल गया इस पर्सन से, अगर ऐसा हुआ अगर वैसा हुआ, देर इज़ अ लॉट ऑफ फियर. आई फील लाइक दिस इज़ अ फियर ऑफ डूइंग द रॉन्ग थिंग. लाइक आपको लग रहा है कि आप जो भी एक्शन लेंगे इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में, या इस इमोशनल जगह पे, कहीं ना कहीं आप गलती करेंगे, कहीं ना कहीं आप बनी बनाए काम को बिगाड़ देंगे. ये है आपका पर्सपेक्टिव. एंड आई थिंक लाइक आप हर एक चीज़ को, आप हर एक एक्शन, आपका हर एक थॉट एक फियर बेस्ड एनर्जी से आ रहा है. आप हर एक चीज़ को ओवरथिंक कर रहे हो कि मैं बात करूं या ना करूं, मैं रिप्लाई करूं या ना करूं, अगर मुझे इन्होंने ये चीज़ मैसेज किया है तो क्यों किया है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये क्या है, वो क्या है. एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ लेटिंग यू नो दैट अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, बट कोई भी काम डर के या डाउट्स रख के मत कीजिए. बी श्योर ऑफ वॉट यू वॉन्ट, बी श्योर कि यहाँ पे आपका क्या राय विचार है, आप क्या चाहते हो और आप क्या नहीं चाहते हो. आपके बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग रहना ज़रूरी है यहाँ पे. एक इंतज़ार है, बट इस चीज़ में आपको ये समझना है कि आप और आपके पर्सन क्या सेम पेज पर हो, क्योंकि अगर नहीं हो तो आप इंतज़ार भले ही कर सकते हैं, पर आपके पर्सन का नज़रिया कुछ और ही हो सकता है. आपके पर्सन हो सकते हैं आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, या आपके पर्सन हो सकता है ऑलरेडी मूव मोड़ चुके हैं इस सिचुएशन से, एंड आप अकेले इंतज़ार में हो. व्हाट आई फील अबाउट योर पर्सन इज़, आपके पर्सन बहुत अनश्योर है, अनसर्टन है. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डाउटफुल है इस रिलेशनशिप के काइंड ऑफ बुनियाद को लेकर, या इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल क्या है इस चीज़ को लेकर. योर पर्सन राइट नाउ, आप देखे होंगे कि आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, या बहुत ज़्यादा इनडिसिशन, या बहुत ज़्यादा आप इन्हें प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे. जितना आप देखेंगे ये चेंज, इट्स बिकॉज योर पर्सन इज़ काइंड ऑफ, ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपको चाहते नहीं है, या इस रिलेशनशिप का कोई वैल्यू नहीं है. डेफिनेटली वैल्यू है, बट आपके पर्सन श्योर नहीं है कि क्या ये रिलेशन लॉन्ग टर्म है, क्या इस मैरिज में, क्या इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म वो केमिस्ट्री, वो स्पार्क रहेगा, इज़ इट पॉसिबल, क्या वो खुश रहेंगे, क्या वो आपको खुश रख पाएंगे. तो काइंड ऑफ एक बुनियाद के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, या एक डाउट क्रिएट हुआ है आपके पर्सन के माइंड में. पर इसमें भी डरने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज़ आई फील लाइक जितना आप लोग इन चीज़ों का, इन डाउट्स का अपने अंदर सामना करेंगे, अपने मन को पूछेंगे एंड सवाल पूछने से नहीं डरेंगे, उतना ही क्लैरिटी के साथ आप लोग आगे बढ़ पाएंगे. दोनों इंसान में अगर क्लैरिटी होगा तो जस्ट ट्रस्ट मी कि कोई डरने वाली बात होगी नहीं, क्योंकि दोनों को पता है कि वो लोग क्या चाहते हैं, उनका क्या फ्यूचर है, उनका क्या इमोशंस है, उनका क्या कनेक्शन है, उनके लिए ये इसका वैल्यू क्या है. सो सबसे पहला चीज़, क्लैरिटी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. कोई भी एक्शन आप लीजिए, कोई भी डिसीशन आप लीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ लीजिए. डोंट बी फियरफुल, डोंट बी डाउटफुल. अगर आपको लगता है कि आपको ये चाहिए, ये कनेक्शन, ये मैरिज, व्हाटएवर, तो उसके लिए जो भी ज़रूरी है वो कीजिए, एंड उस चीज़ को करने में कोई डाउट मत रखिए, क्योंकि आपको पता है आपको क्या चाहिए. सिमिलरली अगर नहीं चाहिए तो वैसे एक्शन लीजिए, एंड कोई डाउट मत रखिए कि क्या मैं सही हूँ गलत. यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड व्हाट यू हैव डिसाइडेड. नाउ कमिंग टू योर मनी फाइनेंस, आई फील लाइक एक बहुत, या तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, या फिर आप कुछ अनइंटेंशनली करके सडनली बहुत सक्सेस
हासिल कर रहे हो. लाइक मे बी आप एक काम कर रहे हो एंड आपको पता भी नहीं है कि क्या वो काम सक्सेसफुल होगा, क्या वो एग्ज़ाम में आप पास होंगे, क्या वो इंटरव्यू आप क्रैक करेंगे, क्या वो वीडियो आपका वायरल होगा. कुछ भी आप कर रहे हो जो आप बहुत अनइंटेंशनली कर रहे हो, आपको करना है इसलिए आप कर रहे हो, बट देन सडनली आप देखेंगे कि कैसे वो एक्शन या वो काम आपको सक्सेस के ऊपर सक्सेस लेके देता है. सो कोई भी चीज़ अगर आप दिल से यकीन के साथ कर रहे हो कि हाँ मुझे ये काम करना है, या मैं कहूँगी कि आपको ज़्यादा बॉदरेशन रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा सवाल जवाब करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये जो ब्लेसिंग है या ये जो चेंज या शिफ्ट है, ये काइंड ऑफ यूनिवर्स आपको दे रहे हैं. इट्स नॉट समथिंग जो आप ज़बरदस्ती लाइफ में लेके आ रहे हो. लाइक इसके लिए ना ही आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो, ना ही आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो. आप जो रोज़ करते हो, आपका जो भी करियर सिचुएशन है, आप उसी में काइंड ऑफ कर रहे हो. आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, आप कुछ बाहर जाके कुछ अपने कंफर्ट जोन से निकल के आप कुछ नहीं कर रहे. लाइक वॉट एवर आपका जो जॉब है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो एजुकेशन है, जो कुछ भी है, आप बस वही कर रहे हो, बट उसी में सडनली आपको सक्सेस दिखेगा. सडनली जो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, आप काइंड ऑफ सोच नहीं रहे थे कि इसमें आप इतना अच्छे से परफॉर्म करेंगे. इस टाइम पे आपका जितना मनी या इनकम अच्छा होगा, उतना ही टेम्पटेशंस होंगे. लाइक एक होता है कि हम लोग बहुत मनी अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं. कुछ लोग होते हैं कि उस चीज़ को रख नहीं पाते हैं क्योंकि गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, या ऐसे जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ बाद में जाके रिग्रेट करते हैं. सो आपके साथ वैसा होने के चांसेस है अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीज़ें नहीं किया. आप क्योंकि इस टाइम पे आपके लिए अबंडेंस, मनी, बैंक बैलेंस, ये सब अट्रैक्ट करना बहुत आसान होगा, एफर्टलेस होगा. आप नॉर्मल काम से भी लाइक आपका परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो सकता है, आपका मनी अबंडेंस बेटर हो सकता है, प्रॉफिट बेटर हो सकता है, अच्छे क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं. सो बी वेरी केयरफुल दैट आप जो भी रिसीव कर रहे हो एज अ ब्लेसिंग, आप उस चीज़ को ऐसे जगहों में मत डालिए या ऐसे इस्तेमाल मत कीजिए जिसके लिए आप बाद में पछताओ. कोई रिस्क मत लीजिए, कोई बस किसी की कही सुनी बातों पे यकीन मत कीजिए, बस कोई लाइक एक्सपेरिमेंट मत कीजिए अपने मनी से, अपने अबंडेंस से, अपने ब्लेसिंग के साथ. जितना हो सके उसे उसे ऐसे जगहों पे इन्वेस्ट कीजिए या ऐसे सेव कीजिए जहाँ पे कोई रिस्क फैक्टर नहीं है या रिस्क फैक्टर बहुत ही कम है. बिकॉज़ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप जितना कमा रहे हो वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा लॉसेस कर रहे हो, या वहाँ से आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो बाद में आपको ऐसा लगे कि मेरा कमा के भी क्या फ़ायदा हुआ, मैं पैसों को बचा नहीं पाया, या मैं सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया, या वॉट एवर. सो बी वेरी केयरफुल विथ वॉट यू डू, क्योंकि मनी को अट्रैक्ट करना आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, पर उसको बचाना या उसे सही इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा. ठीक है, सो बी माइंडफुल ऑफ दैट. सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू हियर लिब्रास फॉर अप्रैल फर्स्ट हाफ, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू आउट. आई होप ये आपको अच्छा लगे, रेजोनेट करे. अगर करे तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो एंड आपको अच्छी लगी हो. सो मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.